हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी कर रहे हैं तैयारी, तो गुरुवार के दिन अपना ये खास अचूक उपाय खोल सकते हैं सफलता के रास्ते। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ ही कुछ उपाय भी अपनाएं तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती ही मिलती है, साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते दोस्तों इन उपाय के बारे में। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, सनातन धर्म में सप्ताह के सातों दिन अलग अलग देवी देवता को समर्पित है और दोस्तों गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन जातक भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। इसके अलावा ये दिन देव बृहस्पति को समर्पित होता है और दोस्तों व्यक्ति की कुंडली में गुरु कमजोर की स्थिति में है तो उसे गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, इससे गुरु मजबूत होता है और कार्य क्षेत्र में आ रहे रुकावटें दूर होती है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हो या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो गुरुवार के दिन ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ खास उपाय जरूर अपनाएं। आइए जानते दोस्तों इस उपाय के बारे में। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति के कुंडली में बृहस्पति स्थिति खराब है और उस बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में केसर और चने की दाल का दान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति के कुंडली में बृहस्पति स्थिति खराब है उसे बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में केसर और चने की दाल दान अवश्य करनी चाहिए। इससे आपकी काफी लाभ होगा। ध्यान रखिए कि अगर आप माथे पर केसर का तिलक लगाते हैं तो वो भी आपके लिए बेहद ही लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों, अवश्य करें। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की आराधना करें। वही इंटरव्यू के लिए घर से निकलते समय रास्ते में गाय को आटा और गुड़ जरूर खिलाएं। इससे आपको अपने काम में जरूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन स्नान करते समय पानी में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लेनी चाहिए। इससे कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है और रुके हुए काम भी पूरे होने लगते हैं। दोस्तों, गुरुवार के दिन यदि व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इस दिन बाल धोना कपड़े धोना निषेध होता है। इसके अलावा कोशिश करें कि इस दिन साबुन का इस्तेमाल भी ना करें। दोस्तों, पुरुषों के लिए गुरुवार के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, ये बात अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, इस तरह से आप उपाय करते हैं तो आपके सरकारी नौकरी के योग जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, आपको सफलता अवश्य बनेगी। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री गुरुदेव दत्तायनवा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।